प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, हम लोग ग्रहों की युति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में दो ग्रह, तीन ग्रह, चार ग्रह जब युति करके बैठते हैं तो उसका क्या फल रहता है, उसको लेकर मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब हम बात करेंगे पांच ग्रह योग की इस श्रृंखला में। सबसे पहले पांच ग्रहों का आधार आपकी जन्म कुंडली पर कहाँ पर बनता है, इसको जरूर देखना चाहिए। उसी के आधार पर इसका फल स्थिति भी यहाँ पर देखी जानी चाहिए। योग की इस श्रृंखला में अब हम बात कर लेते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र। पांचों ग्रह एक स्थान पर आकर के कहीं विराजित होते हैं, तो क्या यहाँ पर फल लिखा है? कहा, गत सत्यो बंधुहीन पर कर्म रतो नरः, क्लीबश्च सखा सूर्य भौमेन्दु बुध भार्गव। अर्थात ये पांचों ग्रह मिलकर के एक स्थान पर युति बनाते हैं। वैसे तो इसका आधार इस रूप में भी हमें देखना चाहिए कि कौन से भाव में युति कर रहे हैं और यहाँ पर कौन कौन सी ग्रहों की दृष्टियाँ या कहाँ कहाँ ये देख रहे हैं, ये भी इसमें जरूर हमें देखना चाहिए, तभी इसके फल को निश्चित रूप से समझना चाहिए। लेकिन सामान्यतः जो इसका फल लिखा है का अगर ये एक स्थान पर बैठते हों तो ऐसे व्यक्ति बात बात पे झूठ बोल देते हैं, कहीं ना कहीं असत्यता का ये सहारा लेते हैं। बंधु बांधु से हीन रहते हैं, जो कि निश्चित रूप से स्वाभाविक है। जब ये व्यक्ति आपस में ही बार बार हर बातों पर झूठ बोलेगा तो अपने लोग भी उनसे कट जाएंगे, तो ये स्थिति इनके साथ में बनती है। बंधु बांधवों के साथ से हीन हो जाते हैं और नौकरी इनको करनी पड़ती है, खासकर दूसरे लोगों की नौकरी ये लोग करते हैं, लेकिन बहुत श्रेष्ठतम पद इनको प्राप्त नहीं हो पाता है। साथ ही साथ परिश्रम तो ये कर लेते हैं, लेकिन जो खासकर इनकी बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है ऐसे लोग, इसलिए आगे बढ़ने में इनको दिक्कत होती है। ये सबके साथ सूत्र नहीं लागू होता है, स्थितियाँ परिस्थितियां भिन्न भी हो सकती हैं। कारण क्या है कि जन्म कुंडली के कौन से भाव पर बन रहा है, कौन से और ग्रहों का जो है यहाँ पर दृष्टि हो, ये संबंध हो, या ग्रह ये कौन से उच्च स्थिति में बैठे हुए हैं, ये सब इस पर तमाम देखकर ही हमें निश्चित फल पर पहुंचना चाहिए।